दिल से बुरा लगता है भाई आप जो अभी आराम से रजाई के अंदर बैठ के ये कमेंट पास कर रहे हो कि अच्छा मैम आपके कपड़े का ये कितना है अच्छा मैम आपका ये कितना है जो आप पास कर रहे हो एक बार जाके बगल वाले कमरे में देखना कि कहीं तुम्हारी बहन के ऊपर भी तो किसी और की नजर नहीं हो पड़ी है क्योंकि तुम्हारी नजर की वजह से वो इफेक्ट पड़ने वाला है तुम जैसा आज किसी और के साथ कर रहे हो सिमिलर वैसा किसी और के साथ होगा ये बड़ी अच्छी बात कही आप तुम्हारे घर में भी होगा तुम्हारी मम्मी तुमको तो बताती नहीं होगी कि जब वो बाहर जाती है तो कितने लड़के उनको देखते हैं और कितना परेशान करते हैं इसलिए शायद उन्होंने शाम को निकलना छोड़ दिया है तुम्हारी बहन शायद तुमको बता नहीं रही होगी कोचिंग जाते तो कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी और वो समाज कोई आजू बाजू से आके नहीं बना रहा है बल्कि हम और तुम बना रहे हैं बैठ के इज्जत करना सीखो ये ना सीबीएसई बोर्ड में तुम्हें सिखाया जाता ना ना बोर्ड में सिखाया जाता बिहार बोर्ड में ना यूपी बोर्ड में ना राजस्थान बोर्ड में ये इंसानियत की शिक्षा जो है तुम जब पैदा होते हो तो तुम्हारी मां सिखाती है तुम्हें कपड़े का साइज जाने का इतना शौक है प्लीज घर में जाइए अपनी मां से जाके पूछिए प्लीज कौन है कहां से आते ही? मैं लगातार आधे घंटे से उस कमेंट को मैं बार बार मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूं मैंने ब्लॉग भी किया लेकिन बार बार अगली आईडी बना के अगली आईडी बना के अगली आईडी बना के इतनी मेहनत अगर एग्जाम में कर लोगे ना अगर खुद के लिए तो जीवन सुधर जाएगा तुम्हारा लेकिन नहीं एग्जाम में हम कैसे मेहनत कर सकते हैं मैम वो तो पॉसिबल ही नहीं हम क्या करेंगे हमें वो देखना है कि अगर लड़की अच्छी दिखती है तो कौन इसको रोस्ट कर रहा है अरे मैम वो सर आपको

आधे घंटे से कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली वो कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट जितनी आई डी में ब्लॉक करी वो दोबारा नई आई बना के आ रहा है और उसको बच्चे डांटे पड़े हैं बाकी बच्चे उसको कि तुम्हें शर्म नहीं अपनी माँ बहन से जाके पूछो तुम कितने बदतमीज हो फिर मैम पढ़ाएंगे नहीं हम लोग को तुम जाओ यहाँ से बाकी बच्चे लड़ रहे हैं उससे तुम्हें शर्म है कुछ कुछ शर्म आया है बदतमीज आ अपनी परवरिश दिखाते इतनी तो औकात है नहीं तुम्हारी कि अपनी असली आईडी बता पाओ इतनी औकात है नहीं तुम्हारी तुम्हें पता है दो महीने पहले एक बंदा है अक्षय बोल के उसने यूट्यूब में बहुत गंदी थंबनेल के साथ मेरी पिक्चर डाली थी साइबर की वजह से वो जेल गया है अभी तक तो वो आया नहीं है वापस लौट के बताया तुम्हें साइबर कंप्लेन की वजह से मुझे बस दो सेकंड का वक्त लगा था अपने फ्रेंड को कॉल करने में दो सेकंड का मुझे वक्त लगा था पंजाब में शहर से था वो पंजाब से था वो बंदा और लगा दूर बैठ के भैया मैं अपलोड कर रहा हूं, कुछ नहीं मैं बहुत पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आइए बनो और देश को संभालो लेकिन नहीं ये तुम जैसे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से बचपन में जब मुझे पापा बोलते थे कि बेटा चेहरे पे दुपट्टा बांध के निकला करो तुम लोग जैसे ही लोग हुआ करते थे, थे उस टाइम पीरियड पे भी जब पापा बोलते थे कि बेटा चेहरे पे दुपट्टा बांध के चला करो धूप नहीं होने के बावजूद अगर पापा हमारे घर पे नहीं है कि पापा रहते छोड़ने जाएंगे मम्मी छोड़ने जाएंगे तो शाम के वक्त पे जब शाम जब दोपहर जब ढल जाता था शाम छह सात बजे और जब मैं कोचिंग से लौटती थी मैं चेहरे पर ऐसे दुपट्टा स्टोल बांध के आती थी क्यों क्यों इतनी दिक्कत है हम लोगों से पता एक टाइम ऐसा आया था कि जब मैं डिप्रेशन में जाने वाली थी और मैंने रोते हुए ये कहा था आई वो जस्ट ट्वेल्व वो थर्टीन ईयर्स ओल्ड जब मैंने ये कहा था कि मैं क्या करूँ चेहरे पे काजल लगा लूँ क्या पूरे चेहरे पे मैं क्या करूँ अभी लोग कहेंगे मैं बाल खुले रखे आई बाल बांध दूंगी तब भी कमेंट करोगे छोटी बच्ची है उसको भी देख के कमेंट करोगे अरे अपने अंदर शर्म लाओ थोड़ा सा यहाँ पे मैंने क्या बताया अगर मैं जब मैंने बोला आप लोगों से ऑपरेस्ट क्लास के बारे में और जो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में तो इनके लिए एक प्रकार से